वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम देखेंगे वॉल सीपेज को कैसे क्रिएट करते हैं ताकि इन फ्यूचर वो प्रॉब्लम्स रिपीट ना हो। सो सबसे पहले डैम्पनेस को ठीक करना इट्स नॉट ईजी बिकॉज उसे फाइंड आउट करना ही सबसे बड़ा टास्क है। सो ये जो बेडरूम है इस दोनों वॉल के पीछे ना ही कोई वॉशरूम है या फिर किचन सिंक है। सो जैसे आप देख सकते हो कि ये वॉल्स विंडो के बहुत ही नज़दीक है। सो द मेन प्रॉब्लम इज फ्रॉम एक्सटर्नल वॉल। बिल्डिंग बाहर से चार बार प्लास्टरिंग के बाद भी ये सीपेज कम नहीं हो रहा। सो देर आर वेरियस सॉल्यूशंस फॉर सीपेज इफ देर इज लेस डैम्पनेस। अगर आपने हमारा वॉल सीपेज वाला दूसरा वीडियो देखा नहीं होगा तो लिंक आपको राइट साइड में मिल जाएगी। इन दैट वीडियो बाथरूम वॉज बिहाइंड द वॉल सो यू कैन सी द सॉल्यूशन ओवर देयर। बट फॉर दिस प्रॉब्लम वी विल हाईली रिकमेंड यू फॉर टाइल्स बिकॉज क्लाइंट इज नाउ रियली फेड अप ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि जहाँ पर बहुत ही कम लीकेज होगा या फिर सीपेज होगा वहाँ पर आप टाइल्स यूज ना करें, क्योंकि टाइल्स एक ऐसी चीज़ है एक बार लगने के बाद वहाँ पर आप कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं कर सकते, आपको कुछ सालों बाद वो बहुत ही पुराना लगेगा। सो दैट इज़ वाई वी पेंट ऑन वॉल सो दैट वी कैन चेंज ग्रेजुअली। सो हमने पूरा प्लास्टर निकाल कर उसे रीप्लास्टर किया और उसे एक दिन तक ड्राई होने दिया और उसी के बाद ही आप ये सिनेरियो देख सकते हो। और उसके बाद उसी दोनों वॉल पर अब टाइल्स लग रही है जो कि आप अभी देख सकते हो। प्लास्टर करते वक्त मोर्टार के साथ हमने केमिकल ऐड किए ताकि सीपेज ना हो, उसे स्ट्रेंथ मिले। सो आपको पता ही होगा कि टाइल्स बेसिकली लगते कैसे हैं। अगर आप चाहते हो कि टाइल्स का एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए कि टाइल्स एग्जैक्टली कैसे लगते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताएं। सो आई गेस आपको आंसर्स मिल गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो डैम्पनेस के बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपका टुवर्ड्स इंटीरियर रिस्पेक्ट और नॉलेज बढ़ाए। तब तक स्टे ट्यून, सी यू सून।